हाय फ्रेंड्स, आज हम वेजिटेरियन मंचूरियन बनाएंगे। आई वुड बी मेकिंग टू वेरिएंट्स, फ्राइड एंड अ नॉन फ्राइड वेरिएंट। सो द इंग्रेडिएंट्स दैट वी नीड आर सम ग्रेटेड कैरेट्स, ग्रेटेड कैबेज एंड सम फाइनली चॉप्ड बीन्स। ये तीन वेजिटेबल्स हम यूज़ करेंगे मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए। और फिर उसकी ग्रेवी बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स हमको चाहिए वो है सम फाइनली चॉप्ड ग्रीन बेल पेपर्स, अनियंस एंड सम जिंजर गार्लिक पेस्ट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रेवी। द सॉसेस दैट वी नीड हियर आर विनेगर, आई हैव सम डार्क सोया सॉस हियर, सम कुकिंग ऑयल एंड विल नीड कॉर्नफ्लावर और कॉर्न स्टार्च एंड सम सॉल्ट विद सम टमेटो केचप टू मेक द ग्रेवी फॉर द मंचूरियन। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द मंचूरियन बॉल्स फर्स्ट। सो टू मेक मंचूरियन बॉल्स आई मिक्स ऑल माई वेजिटेबल्स एंड ऐड सम सॉल्ट टू इट। और इसको बाइंड करने के लिए विल नीड सम कॉर्न स्टार्च और कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर हमको बहुत कम डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मंचूरियन बॉल्स में फ्लेवर वेजिटेबल्स का ही आता है। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स का फ्लेवर आएगा उतना अच्छा मंचूरियन का फ्लेवर आएगा मंचूरियन बॉल्स का। तो आई एम एडिंग अबाउट 2 tablespoons ऑफ कॉर्नफ्लावर हियर। बेयर इन माइंड दैट बिकॉज वी हैव एडेड सॉल्ट टू आवर वेजिटेबल्स ऑलरेडी, दे आर गोइंग टू लूज देयर वाटर कंटेंट। तो इसमें जब हम पानी ऐड करेंगे वो कम से कम 5-10 मिनट के बाद ऐड करेंगे। तो हम अपनी वेजिटेबल्स और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके साइड में रख देंगे फॉर 5-10 मिनट्स, जिससे कि वेजिटेबल्स के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो लूज हो जाएगा 5-10 मिनट्स के बाद। और फिर हमको आइडिया लग जाएगा कि कितना पानी और ऐड करना है अपार्ट फ्रॉम द वेजिटेबल वाटर। सो नाउ दैट द कॉर्न स्टार्च इज वेल इनकॉर्पोरेटेड, आई लीव इट असाइड फॉर 5-10 मिनट्स। So it's been 5 minutes now, और जो vegetables ने अपना water content lose किया है see उसी से ही काफ़ी अच्छी binding हो रही है। see हमने कोई पानी नहीं add किया है and the mixture has come together already। बॉल्स बनाने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे हम हमारे लिए बॉल्स बनाना इजी रहे। सो एड इट अबाउट 1 tablespoon ऑफ वाटर। तो अब हमारा मिक्सचर रेडी है और इसकी हम बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स बनाने के लिए मैं अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी और फिर इसकी हम बॉल्स बना लेंगे। तो हमारी मंचूरियन बॉल्स रेडी हो गई हैं। अब हम इनको 2 तरीके से बनाएंगे। द वेरी फर्स्ट इज़ फ्राइंग, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। एंड द सेकेंड वेरिएंट इज़ नॉन फ्राइड, और नॉन फ्राइड वेरिएंट के लिए मुझे यहाँ पे ये अपम स्टैंड चाहिए और इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। सो इन दोनों को ही हम मीडियम हीट पे गरम करेंगे, which is about 6-7 gas। तो अब हमारा अपम स्टैंड गर्म हो गया है, इसको मैंने ग्रीस कर रखा है और इसमें हम अपनी बॉल्स ऐड कर देंगे। ये अपम स्टैंड मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल है और इसमें आपके नॉन फ्राइड मंचूरियन बन जाएंगे। और इसको ऊपर से भी हम थोड़ा ग्रीस करके और कवर करके रख देंगे। और यहाँ पे हम इनका दूसरा वेरिएंट फ्राइड वाला बनाना स्टार्ट करते हैं। जस्ट डंक योर बॉल्स इन मीडियम हॉट ऑयल एंड लेट इट कुक फॉर अराउंड 2-3 मिनट्स।
हमारा अपम वाला लॉट भी रेडी है एंड दे लुक नाइस एंड गोल्डन टू, तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। हमारे मंचूरियन बॉल्स के दोनों वेरिएंट्स रेडी है, ये फ्राइड वेरिएंट है और ये अपम स्टैंड में कुक्ड वेरिएंट्स है, तो इनके लिए अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे एक वॉक के अंदर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे अपने अनियंस। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं पहले नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गार्लिक गेट्स बर्न्ट वेरी इजीली, सो आई विल ऐड इट लेटर। तो जब तक हमारे अनियंस रोस्ट हो रहे हैं हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना लेते हैं ग्रेवी के लिए। इसके लिए मैं कॉर्नफ्लावर को एक कंटेनर में लेके, दैट्स रफली 1 टेबलस्पून, इसके अंदर अब हम थोड़ा पानी मिक्स करके इसका हम अपने फाइन पेस्ट बना लेंगे। दिस स्लरी विल हेल्प इन थिकनिंग ऑफ योर ग्रेवी, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मंचूरियन ग्रेवी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, लंप फ्री स्मूथ स्लरी। तो हमारे अनियंस रोस्ट हो गए हैं, आई विल नाउ ऐड द जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब हम अपनी सॉसेस ऐड कर देंगे, तो इन गोज टमेटो केचप, हम सोया सॉस, स्लरी। विनेगर हम एकदम लास्ट में ऐड करेंगे, तो अब हम इसके अंदर अपनी स्लरी ऐड कर देंगे। तो स्लरी डालते ही ये काफी थिक होना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। और इसको 2-3 मिनट बॉईल होने देंगे। ये ग्रेवी काफी थिक हो गई है, इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। और इसको हम फुल हीट पे 1-2 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। सी इट हैज थिकेंड अगेन आफ्टर एडिंग द वाटर। आई विल नाउ ऐड माय ग्रीन बेल पेपर्स एंड विनेगर। सो यू कैन ऐड विनेगर एज पर योर टेस्ट, इफ यू लाइक इट मोर टैंगी यू कैन ऐड मोर विनेगर। आई एम एडिंग अबाउट 1/2 स्पून ऑफ विनेगर हियर एंड फाइनली वी ऐड द सॉल्ट फॉर सीजनिंग। बेयर इन माइंड डार्क सोया सॉस के अंदर भी काफ़ी सॉल्ट होता है, तो हम सॉल्ट यहाँ पे थोड़ा कम ही डालेंगे और हमारी मंचूरियन बॉल्स में भी सॉल्ट है। अब हम इसके अंदर अपनी बॉल्स ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे जो हमने दोनों वेरिएंट्स बनाए थे वो साथ ही में ऐड कर दिया है। तो हमने अपने मंचूरियन बॉल्स ऐड कर दिए हैं और इनको ऐड करने के बाद 1-2 मिनट हम हाई फ्लेम पे कुक करके अपना गैस बंद करके ये ग्रेवी उतार लेंगे। तो हमारी मंचूरियन बॉल्स को फुल हीट पे कुक होते हुए 2 मिनट हो गया है एंड इट्स नाउ डन। मैंने हीट टर्न ऑफ कर दिया है, तो इसको अब हम एक बाउल में निकाल के और स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे। तो हमारा मंचूरियन रेडी है और इसको अब हम ऊपर से स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस रेसिपी ऑफ नॉन फ्राइड मंचूरियन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।